वेलकम स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द इंडिकेटर्स. सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस. सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट द वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक विदाउट टचिंग इट. अगर हम टच करते हैं तो हो सकता है वो जो सोल्यूशन है वो कोरोसिव हो एंड इट मे अफेक्ट अवर हैंड ऑल्सो एंड देयर विल बी बर्निंग इफेक्ट ऑन इट. सो अगर हमने जो एसिड एंड बेसिस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो अगर या फिर इनको आइडेंटिफाई करना है सॉल्यूशन जो हमें दिया हुआ है तो इट इज़ सो वी यूज इंडिकेटर्स टू फाइंड आउट दैट द वेदर द सॉल्यूशन जो हमारे पास है इट इज़ एसिडिक और इट इज़ बेसिक. तो इसमें क्या है, दे चेंज देयर कलर. जो इंडिकेटर्स होते हैं जब हम इनको सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो दे चेंज देयर कलर. जो इनका ओरिजिनल कलर है उनका जो कलर है इट गेट्स चेंज इनटू सम अदर कलर, जिससे हमें पता चलता है दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. जैसे इसकी एग्जांपल की थी हमें लिटमस पेपर की. लिटमस पेपर एक नेचुरल सब्सटेंस से बनता है दैट इज़ द लीचंस. लीचंस होते हैं, दे आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दे आर एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड अलगा, एंड उनकी एक स्पेशल प्रजाति पाई जाती है दैट इज़ द रोसेला, जिसको हम लिटमस पेपर बनाने में यूज़ करते हैं. तो लिटमस पेपर का कलर ओरिजिनली पर्पल होता है, दैट इज़ द इंडिकेटर. तो अगर वो लिटमस पेपर ब्लू से जो उसका ओरिजिनल कलर है उसको वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो इट इज़ एसिडिक. अगर वो ब्लू से रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो जो सॉल्यूशन है इट इज़ द बेसिक. तो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट. तो जो इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे कुड बी नेचुरल ऑल्सो एज वेल एज सिंथेटिक, जो हम बनाते हैं लेबॉरटरीज में ऑल्सो. दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं, हम नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं दैट एसिडिक है या फिर बेसिक है जो गिवन सब्सटेंस है. तो दिस वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट बाय एट आवर होम ऑल्सो. इंडिकेटर्स कुछ हमारे घरों में भी होते हैं, हर घर पे होते हैं इंडिकेटर्स नेचुरल, जो हमें एसिडिक या फिर बेसिक चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, जो हम करेंगे अभी इसमें. सो फर्स्ट वी विल प्रोसीड टू द नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स द मोस्ट कॉमनली यूज इज द लिटमस पेपर दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीचंस. लीचंस से बनता है विच इज़ नेम एज द रोसेला टेंचोरिया, दैट इज़ द लिचन नेम, जो स्पेशल लिचन है जिसको यूज़ करके हम सोल्यूशन बनाते हैं और वो सोल्यूशन को हम यूज़ करके लिटमस पेपर में यूज़ करते हैं. एंड इसके दो कलर्स होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू कलर का होता है. अगर न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल सोल्यूशन में इसका जो कलर पर्पल होता है लिटमस पेपर का, लिटमस सोल्यूशन का. सो वेयर एज देर आर अदर ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक चाइना रोज इज देयर. इसके हम पीटल यूज़ करते हैं, वैन वी डिप देयर पीटल्स इन टू द सोल्यूशन इनका कलर चेंज हो जाता है बिकॉज दे हैव एक पार्टिकुलर इनमें केमिकल होता है दैट इज नोन एज एंथोसियानिन. जो कि हम एज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज़ करते हैं. इवन रेड कैबेज में भी होता है बीट रूट, ऑल्सो टर्मरिक जो हमारे घरों में होती है इट इज़ द, ऐसे हम हल्दी भी बोलते हैं दैट इज़ द टर्मरिक. इसको भी हम नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे सभी घरों में होती है. दिस इज़ द टर्मरिक दैट वी कैन यूज़. इट ऑल्सो चेंजेज इट्स कलर विद द वेरिएशन ऑफ एसिड टू बेस. अगर एसिड है तो उसका कलर डिफरेंट आएगा, अगर हमने इसके ऊपर बेस डाला है तो उसका जो कलर है वो अलग आएगा. क्लियर? सो दिस इज दैट वी कैन यूज एट आवर होम ऑल्सो. क्लियर? नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स विच आर मेड इन द लेबॉरटरीज. देर आर सम केमिकल्स दैट वी कैन यूज. वन इज द फिनॉल पेथैलीन मिथाइल ऑरेंज. दे आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस which change their color when they are poured into some kind of acid or base or some kind of acid or base को अगर हम इनके ऊपर थोड़ा सा drop डालते हैं तो they change their color. So
There is a list of these colors, that is the original color. Some of the indicators दिए हुए हैं हमारे पास, कुछ natural हैं, कुछ हमारे पास synthetic हैं. Like litmus paper है, original color है purple. अगर हम इसको acidic solution में डालते हैं तो इनका color है वो red में हो जाता है convert, and if it is a basic solution उसका color blue change हो जाता है. एंड फिनॉल पैथालिन कलरलेस होता है, इवन द एसिडिक मीडियम ये कलरलेस ही रहेगा. अगर जो सोल्यूशन हमारे पास बेसिक है इसका कलर पिंक हो जाएगा. क्लियर? तो देर आर सम अदर्स ऑल्सो दैट यू कैन चेक, लाइक टर्मरिक सोल्यूशन है, इसका जो ओरिजिनल कलर येलो होता है जो हमारे किचन में प्रेजेंट होता है, हल्दी जिसे बोलते हैं. तो अगर एसिडिक सोल्यूशन है इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, वेयर एज अगर हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन है इसका कलर विल चेंज टू पिंक या फिर रेडिश कलर हो जाता है. क्लियर? सो दिस इज द दीज आर द इंडिकेटर्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. क्लियर?